अपने घर या ऑफिस में ब्रॉडबैंड लगाने के बारे में सोचते हैं तो हम लोग कन्फ्यूजन क्रिएट होता है हम लोगों के बीच में कि जियो का कनेक्शन लगवाए या एयरटेल का कनेक्शन लगवाए। तो दोनों में अगर आपका भी कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो पे मैं आज आपको जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम के बीच में कंपैरिजन करके बताऊंगा और आप समझ पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट प्लान और बेस्ट नेटवर्क कौन सा होने वाला है अगर आप ब्रॉडबैंड लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो दिस इज सुष्मिता, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको डिटेल्स में बताते हैं कि एयरटेल एक्सट्रीम और जियो फाइबर में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। जियो फाइबर एक बजट फ्रेंडली नेटवर्क है। यहाँ पे आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा आपके बजट के अंदर, लेकिन यहाँ पे अगर आप एयरटेल के बारे में बात करते हैं तो क्वालिटी फ्रेंडली है एयरटेल। अगर आपके लिए क्वालिटी बहुत मैटर करता है, वो आपसे थोड़ा बजट के ऊपर भी जाए तो भी चलेगा, तो इसके वजह से एयरटेल की तरफ आप जा सकते हैं। तो अगर आपको बजट में सब कुछ चाहिए तो एयरटेल को आप अवॉइड कीजिए, जियो फाइबर की तरफ जाइए। अगर क्वालिटी मैटर करता है तो आपके लिए बेस्ट नेटवर्क है एयरटेल एक्सट्रीम। अब आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। जियो में बेसिकली फ्रेंड्स, जियो फाइबर में जो फॉलो होता है वो है प्रीपेड प्लान। पहले आपको पे करना होता है रिचार्ज करवाने के लिए, उसके बाद आप उस कनेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपका जो वैलिडिटी है डेट पीरियड ओवर हो जाता है, आपका कनेक्शन बंद हो जाता है, उसके बाद फ्रेंड्स आप 2-4 दिन का ब्रेक देके जब भी आपका रिचार्ज करवाने का मन हो रिचार्ज करवा सकते हैं। उसके बाद आपका जो कनेक्शन है फिर से आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन एयरटेल एक्सट्रीम पोस्ट पेड प्लान को फॉलो करता है। आप जितना दिन का रिचार्ज करवाएंगे उसी दिन के बाद आपका जो कनेक्शन है वो रिन्यूअल हो जाएगा और फिर आपको जो प्लान है वो अब बराबर इस तरह से ही चलता रहेगा। आप बीच में कोई गैपिंग नहीं ले सकते। जिस तरह के पोस्ट प्लान में होता है उसी तरह का रूल्स एयरटेल एक्सट्रीम है वो फॉलो करते हैं। फिर जियो फाइबर में आपका प्लान ख़त्म होने के बाद आप जब मर्जी रिचार्ज करवा सकते हैं। बोल सकते हैं ये एक फ्लेक्सिबल नेटवर्क है, जब मर्जी आप चाहे तो रिचार्ज इसको करवा सकते हैं। लेकिन एयरटेल एक्सट्रीम में अगर आप एक मंथ के लिए रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन जो चार्जेस है उसको लगते हैं। अगर आप 3 मंथ के लिए एक साथ में पोस्टपेड कनेक्शन इसका जो लगवाते हैं एयरटेल एक्सट्रीम का, तो आपका इंस्टॉलेशन जो चार्जेस है वो फ्री हो जाते हैं। उससे अगर आपका घर का जो डिस्टेंस है वो अगर 100 मीटर से ज़्यादा है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने हो सकते हैं केबल वेयर की वजह से। फ्रेंड्स, आप एयरटेल एक्सट्रीम में 4K सेट टॉप बॉक्स लगा के लाइव टीवी देखना चाहते हैं तो आपको 4K सेट टॉप बॉक्स के लिए एक्स्ट्रा 1500 पे करने होंगे। लाइव टीवी चैनल्स के लिए 452 रुपीज़ पर मंथ पे करने होंगे, तभी आप इसके थ्रू अच्छे से DTH कनेक्शन को छुड़वा के जो लाइव टीवी चैनल्स आते हैं वो सब कुछ देख सकते हैं। फाइबर में अगर आप लगातार 12 मंथ तक रिचार्ज करवाते हैं तो रिफ़ंड भी आपको मिलता है 1500 रुपीज़ का, जो कि बढ़िया है। अभी मैं आपको दोनों प्लान में से कंपैरिजन करके बताऊंगी कि किसका कितना रुपीज़ पे करने से क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो भी मैं अमाउंट बताऊंगी उसके ऊपर जब भी आप रिचार्ज करने जाइएगा 18% GST ऐड होके ही आपको पे करने होगी। ये विदाउट GST मैं आपको जो अमाउंट है वो बताऊंगी हर प्लान के, उसके ऊपर आप GST ऐड करके पकड़ लेना कि कितना आपको पे करने हो सकते हैं पर प्लान के लिए। फ्रेंड, सबसे पहले मैं सबसे लोएस्ट बजट जो प्लान है उसके तरफ से शुरू करती हूँ, वो जियो फाइबर हो या एयरटेल एक्सट्रीम हो। तो जियो फाइबर का जो सबसे लोएस्ट प्लान है वो है 399 का प्लान। तो 399 का प्लान अगर आप जियो फाइबर का रिचार्ज करवाते हैं तो उसके साथ आपको अनलिमिटेड कॉलिंग पूरे ऑल ओवर इंडिया में फ्री मिलती है, जिसके थ्रू आप किसी भी नेटवर्क पे फ़ोन कर सकते हैं विदाउट कोई भी चार्जेस के बिना। तो उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कुछ भी OTT सब्सक्रिप्शन फ्री नहीं मिलता है और आपको यहाँ पे जो इंटरनेट का स्पीड मिलता है वो है 30 MBPS की स्पीड। ये हो गया जियो फाइबर का 399 प्लान। अगर आप हर महीने रिचार्ज करवाते हैं उसके ऊपर जो फीचर्स है उसको मैंने बताया, उसके ऊपर 18% आपको GST एक्स्ट्रा ऐड करके पे करने होते हैं। अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम की तरफ जाए तो ये इसका जो सबसे लोएस्ट प्लान है वो है 499 का प्लान। तो इसके साथ फ्रेंड्स आपको अनलिमिटेड कॉलिंग तो मिलता ही है और आपको कोई भी OTT सब्सक्रिप्शन फ्री नहीं मिलता है और आपको यहाँ पे जो स्पीड मिलती है वो है 40 MBPS की स्पीड, उसके ऊपर 18% GST ऐड करके आपको पे करने होते हैं।
तो ही आपका ये प्लान जो है वो सक्सेसफुली आप यूज़ कर सकते हैं। तो है जियो के जो 699 वाला प्लान है उसके तरफ 699 के प्लान के साथ आपको मिलेगा अनलिमिटेड कॉलिंग ऑल ओवर इंडिया में एनी नेटवर्क। उसके बाद कोई भी OTT सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्री नहीं मिलेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो स्पीड है वो काफ़ी हाई हो जाएगा, वो 100 MBPS की स्पीड आपको मिलेगा अगर आप जियो का 699 वाला प्लान रिचार्ज करवाते हैं उसके साथ। और सेकेंडली एयरटेल में है 799 वाला प्लान, उसके साथ आपको मिलेगा 150 MBPS की स्पीड और अनलिमिटेड कॉलिंग तो ऑल ओवर इंडिया में है ही। और उसके बाद आपको यहाँ पे 7 OTT सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलता है जिसके थ्रू आप TV शोज़, मूवीज़ और बहुत सारे कुछ जो आते हैं वो सब कुछ देख सकते हैं, वो वेब सीरीज़ वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट जो प्लान है जियो फाइबर का वो है 999 वाला प्लान। इसके साथ आपको 150 MBPS की स्पीड मिलती है ऑल ओवर इंडिया में, कॉलिंग तो फ्री मिलती ही है। उसके बाद आपको यहाँ पे 11 OTT सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलती है जिसमें आपको अमेजोन प्राइम, G5, फूट, होइचोई जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू आप अच्छे से वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हैं, शो मूवीज़ जितने भी सारे आते हैं वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एयरटेल का भी नेक्स्ट जो प्लान है वो भी है 999 वाला प्लान। इसके साथ आपको जो इंटरनेट की स्पीड मिलती है वो मिलती है 200 MBPS की हाई स्पीड इंटरनेट जो कि काफ़ी बढ़िया है। आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस है वो इसके साथ काफ़ी बेहतर होने वाला है। और उसके साथ आपको ऑल ओवर इंडिया में कॉलिंग तो फ्री मिलती ही है और 10 OTT सब्सक्रिप्शन यहाँ पे फ्री मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता देते हैं जियो फाइबर का जो 11 OTT सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको नेटफ्लिक्स देखने को नहीं मिलता है। तो नेटफ्लिक्स देखने के लिए आपको इसका जो महंगा वाला प्लान है उसके साथ आपको यहाँ पे रिचार्ज करवाने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड जियो का जो प्लान है वो है 1499 का प्लान। इसके साथ आपको कॉलिंग तो फ्री मिलती ही है, उसके साथ आपको OTT सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलते हैं जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड नेटफ्लिक्स भी देखने को मिलता है। और आपको यहाँ पे जो इंटरनेट का स्पीड है वो काफ़ी बेहतर मिलता है जब आप यहाँ पे 300 MBPS की इंटरनेट को स्पीड से यूज़ कर सकते हैं। और एयरटेल एक्सट्रीम के भी नेक्स्ट जो प्लान है वो है 1499 वाला प्लान। फिर जियो का जो प्लान है वो है 2499। यहाँ पे जितने भी सारे फीचर्स है वो तो आपको मिलते ही है, उसके ऊपर स्टैंडर्ड नेटफ्लिक्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप नेटफ्लिक्स देखना पसंद करते हैं तो आप इस प्लान को यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बजट में आता है तो, नहीं तो आप जितने प्रीवियस वाला प्लान है उसको भी रिचार्ज करवा सकते हैं। उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स अलग से लगवाने होंगे तभी आप देख पाइएगा। और एयरटेल का जो नेक्स्ट प्लान है जो है कि 3999 वाला प्लान। इसके साथ आपको बहुत सारे फीचर्स जो एयरटेल में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ उसको मिलते ही है, उसके ज़्यादा भी आपको बहुत ही हाई स्पीड वाला इंटरनेट भी प्रोवाइड होता है अगर आपके बजट में आता है। अगर आप ऑफिस वगैरह के लिए हाई स्पीड इंटरनेट लगवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं जहाँ पे आपको क्वालिटी भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो क्वालिटी अगर आपके लिए बहुत मैटर करता है तो आप एयरटेल को हमेशा पहले प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपको ओवरऑल सब कुछ चाहिए थोड़ा थोड़ा करके तो बजट फ्रेंडली मैंने पहले भी बताया है वो जियो फाइबर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने बजट के हिसाब से आप कौन सा प्लान चूज़ करेंगे और कौन सा नेटवर्क चूज़ करेंगे। तो फाइबर का अगर आप 6 मंथ का रिचार्ज एक साथ करवाते हैं तो आपको 15 डेज एक्स्ट्रा फ्री सर्विस मिलता है। अगर आप 12 मंथ का एक साथ रिचार्ज करवाते हैं तो आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा फ्री में सर्विस मिलता है जियो फाइबर की तरफ से। अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम में मंथ्स का एक साथ रिचार्ज करवाते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन फ्री मिलता है जो मैंने पहले भी आपको बताया है। अगर आप 6 मंथ का एक साथ रिचार्ज करवाते हैं एयरटेल एक्सट्रीम में तो आपको 6.5% का ऑफ मिलता है जो भी प्लान्स होते हैं उसके ऊपर। अगर आप 12 मंथ का एक साथ रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपको 15% ऑफ होते हैं जो भी आप प्लान रिचार्ज करवाएंगे उसके ऊपर, और एक्स्ट्रा आपको GST जो है 18% अलग से पे करने होंगे। तो अब अपने हिसाब से जो भी आपके बजट में आए वही रिचार्ज करवाइए। पूरा डिटेल्स मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया है। आई होप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, वीडियो थोड़ा सा भी आपको नॉलेज दिया है। अगर यूज़फुल लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है आपके लिए इस तरह के न्यू वीडियोज़ को बनाने के लिए। और फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। अगर कोई सोच रहा है अपने घर में ब्रॉडबैंड लगाने के बारे में तो उन्हें नॉलेज मिल जाएगी कि कौन सा नेटवर्क उनके लिए बेस्ट होगा और कौन सा प्लान उसके लिए सबसे बेहतर सर्विस देगा। और फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के न्यू वीडियोज़ को देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए।
तो इसीलिए रेड लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके ग्रे कर दीजिए और साथ में जो बेल घंटी आता है उसको भी दबाइए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में भी जाकर लिख सकते हैं कि नेक्स्ट किस तरह के फ्यूचर में वीडियोस आप देखना चाहते हैं, उस तरह के टॉपिक्स मैं आपके लिए ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी वीडियो फॉर्मेट में। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, खबरी या फिर सब जगह का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो पब्लिक जगह पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी डेली अपडेट्स देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर गाइस। और जाते जाते जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसको भी वॉच करना, तो भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और जियो फाइबर के बारे में मैंने और भी सारे वीडियोस बना के रखे हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके वो सब वीडियोस को देख के नॉलेज ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।